अभी मंगल ना जोंक की तरह मेरी जान खाती रहेगी। कभी कभी कुछ ज्यादा ही ढीठ नहीं लगती तुम्हें तुम्हारी बीवी? वैसे आदित्य, तुम्हारे फैमिली में एक से एक अतरंगी लोग भरे पड़े, कब कौन कैसा रंग दिखा दे पता ही नहीं होता। किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हारा सुपरस्टार भाई कार्तिक स्टेज पे खड़े होके गाना गा सकता है ये तो हमें पता ही था, लेकिन वो जादू भी दिखा सकता है ये नहीं पता था। एक लड़की के साथ बॉक्स के अंदर गया और दूसरे के साथ बाहर। लेकिन कुछ तो है सौम्या, खुश नहीं दिख रहा था वो। खुश नहीं होता तो शादी क्यों करता उससे? और वैसे भी उसे तो लक्ष्मी पहले से ही पसंद थी। शुरू शुरू में पसंद कर लेगा, लेकिन एक बार जब उसके साथ रहना पड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। 4 दिन में बोर हो जाएगा। तुम अपनी कहानी सुना रहे हो? तुम्हें भी शायद मंगल शुरू शुरू में पसंद थी, फिर तुम बोर होने लगी। सुमे, तुम क्या बोलना चाहती हो? इतने हैरान क्यों हो रहे हो बेबी? शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ही था ना तुम्हारे और मंगल के बीच? शादी के 1 साल बाद ही इशाना पैदा हो गई और फिर शायद धीरे धीरे तुम बोर हो। चुप रहो सौम्या, क्या बकवास कर रही हो तुम? आदित्य, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या गलत कहा मैंने? तुम्हारे और मंगल के 2 बच्चे हैं ना? हाँ हैं। अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है, शादी होते ही ना पूरा खानदान, पूरी रिश्तेदार, सोसाइटी आपके पीछे पड़ जाती है कि एक बेटा चाहिए, बच्चा क्यों नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 24 घंटे आपके सर पर कोई ना कोई बैठा रहता है, निभाना पड़ता है। और सौम्या, तुम्हें ये लगता है कि मैं मंगल से बोर हो गया हूँ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ? आई लव यू सौम्या, प्यार करता हूँ तुमसे इसलिए तुम्हारे साथ हूँ, कोई और वजह नहीं है। आई एम रियली हर्ट कि तुमने मुझे इतना गलत समझा। आदित्य लिसन, सुनो, आई एम रियली सॉरी आदित्य, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था आदित्य, आई एम सॉरी प्लीज। दरबार की जय। जिसको शेरा वाली चाहिए हाथ ऊपर करो। जय माता दी। लक्ष्मण सुनो, मुझे तुमसे पूछना है कि भाई साहब, माता जी पे ध्यान लगाइए, पत्नी पे तो सारा जीवन ध्यान रहने वाला है। प्यार से बोलिए जय माता दी। माता रानी सबको अपार शक्ति दे, अपार हौसला दे। आज यहाँ पे इतने सारे मेहमान बैठे हैं और हम यहाँ इतने सारे लोगों के सामने सक्सेना परिवार की इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ने देंगे। जितने मुंह उतनी बातें होंगी। हम क्या करूँ, मैं फोन किया उनको, वो नहीं उठा रहे। हम क्या करें? हाँ, कितनी बार हाथ थामे हम तुम्हारा मंगल, कितनी बार बचाए तुम्हें, तुम भी जानती हो। 100 अड़चने आई, मैंने अदित को संभाला, समधन जी को संभाला, तुम्हें संभाला, लेकिन अब बस, अब हम कुछ नहीं जानते। कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन आज अदित यहाँ होना चाहिए। देखो मंगल, हम ना नहीं सुनना चाहते, अदित का यहाँ होना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ भी करके अदित को यहाँ बुलाओ, करो फोन उसे। हे माता रानी, कोई तो चमत्कार दिखा दो आज, हम आज बहुत गुस्से में हैं, किसी भी तरह आदित्य को घर भेज दो। सब ठीक पापा? शरबत लिया आपने? चाय पियेंगे तो चाय बनाओ। पी लिया बेटा। मंगल ये रख ले, काम आएंगे। 4 लाख हैं लक्ष्मी की शादी के लिए हमारी तरफ से। पापा आप क्यों? इसे आप रख लीजिए, मैं कर रही हूँ इंतजाम। अब तू ही उसकी माँ बाप बनती रहेगी क्या?
अरे मैं उसका पिता समान होके अभी तक कुछ नहीं कर सका। अगर देखा जाए तो उसकी शादी का फर्ज मेरा ही तो है। अगर नहीं करूंगा तो अपने स्वर्गवासी भाई और भाभी को क्या जवाब दूंगा? इसे रख ले, मना मत कर। पापा आप, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप तो बड़े चलाक निकले, मैं समझ गई थी। जब सुबह सुबह बैंक के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे थे, अब कहां से आ गए इतने सारे पैसे? शांति, ये वापस दो, ये लक्ष्मी के हैं। छोड़, मंगल है ना, कर लेगी लक्ष्मी की शादी। ये पैसे मैं लिपिका की शादी के लिए रखूंगी, समझ गए? जब लिपिका की शादी होगी तब हम कर लेंगे इंतजाम। घर में माता की चौकी लगी, मेहमान आए, जा सबको देख जाके, और इनको मैं देखती हूँ। बड़े आए लक्ष्मी की शादी करवाने वाले, और सुनो उस मनोज की कभी शादी नहीं होगी, मैं कह रही हूँ। शांति, शुभ शुभ बोलो। मम्मी, अगर आज आपने कोई तमाशा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शांति, हमारी बेटी अपने घर से विदा हो रही है, उसे प्यार से होने दो। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या मिलता है उसे तंग करके। लो बेटा। ज्योतिष ऐसा कर ही नहीं सकते, वो गायत्री भाभी के बहुत पुराने ज्योतिष हैं। गायत्री भाभी उनसे बिना पूछे कार्तिक को एक गाना रिकॉर्ड नहीं करने देती, और आप कह रही कुंडली बदल दी, मतलब ये शादी नहीं हो सकती। हमारे साथ धोखा किया गया है। धोखा क्यों करेंगे बुआ जी, मेरी बहन के भविष्य का, उसकी जिंदगी का सवाल है। भला उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं हम? अरे तुम्हारी अपनी माँ कह रही है मंगल, हम थोड़ा ना कुछ कह रहे। मंगल क्या कर रहे हो सब, बंद करो ये बकवास। सच बोलने वाला कभी नहीं जलता और ना ही जलेगा। ये शादी नहीं, ये ढकोसला है। मंगल, ये तुम्हारी मम्मी ने फिर से नया ड्रामा क्या शुरू कर दिया है? अम्मा पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। उल्ली तो सही है, सही मिलाई गई है ना अम्मा। देखो मंगल, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पंडित जी कह रहे थे कि अगर 2-4 घंटे भी ऊपर नीचे हो गए या 2-4 घंटे का भी हेरफेर हुआ ना तो सारे नक्षत्र सारी दशाएं बदली हो जाएगी। कहीं सच में तो ऐसा नहीं हुआ ना? माँ आप किसकी बात पे विश्वास कर रही है, कोई नया नाटक सूझा है इनको? देखो मंगल, कुछ भी हो लेकिन अब मन में तो शक बैठ ही गया ना। कार्तिक और लक्ष्मी दोनों की जिंदगी का सवाल है। हमें तो डर है कि कहीं इस चक्कर में ये रिश्ता ही ना टूट जाए। इसकी मम्मी का ड्रामा कहीं लक्ष्मी की शादी ना तोड़ दे।